नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। कबरीवा से आवाज, जहां बुलेरो मोटरसाइकिल के भिड़ंत माही मोटरसाइकिल सवार 3 जने गंभीर तरीका से घायल हो गए। टक्कर माही मोटरसाइकिल सवार 30 फीट ऊंचे शीशम के पेड़ तक गए, जहां पेड़ के डारी में उनकर चप्पल फंसी दिखी। नागेंद्र साकेत, पिता त्रिवेणी साकेत, शिवकली साकेत और तारा साकेत सभी काकर के रहने वाले रहे, जे गहना खरीदे खातिर कटरा जात रहे। घटना कलवारी लाल गांव मार्ग में कलवारी जमुनिया टोला में घटी। जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनका कौन है? गेंदे नागेंद्र तारा। नागेंद्र तारा निवासी कहाँ जा रहे थे? रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलदार मोहल्ला में दुई समुदाय में आपसी रंजिश के कारण पत्थरबाजी भय। आए दिन शहर में यमे के मारपीट के घटना सामने उतर रहा थी भय, जहां इधर के पुन के दुई गुट में पत्थरबाजी भय, जहां मौका पर पुलिस पहुंच के मामला के जांच कर रही है भय। मध्य प्रदेश के छतरपुर बड़ा मल्हारा में पदस्थ प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ऋषि तिवारी के सड़क हादसा में निधन हो गए। इन दुर्घटना में ही एक और न्यायाधीश आशीष मथौरिया गंभीर तरीका से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किए गए हैं। अपने बता दें कि मृतक न्यायाधीश ऋषि तिवारी सीधी के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता, एडवोकेट उमेश तिवारी के पुत्र रहे। हमा रीवा के सर्किट हाउस रेप कांड मामला में ही आरोपी संजय त्रिपाठी के पड़रा में बने आवास का गिराए देंगा। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में की गए। अपना बताए दी कि बिना परमिशन और पार्किंग की व्यवस्था करे अवैध तरीका से भवन के निर्माण किन गया रहा, जहां कॉम्प्लेक्स का गिरावे के कार्रवाई शुरू की गए। देखिए कार्रवाई के वीडियो और संबंधित अधिकारी का बताए रहे हम। आज जो ये निर्माण कार्य तोड़ा जा रहा है, अनधिकृत रूप से बनी हुई बिल्डिंग है जो संजय त्रिपाठी पिता आकाश त्रिपाठी के नाम पर दर्ज है, और इसका एक हिस्सा इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि अनधिकृत रूप से शासकीय भूमि में बना हुआ निर्माण है और नियम के विपरीत बना है। ये केस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया? इस प्रकरण में विवेचना में आए साक्ष्य के अनुसार दो अन्य आरोपी गण और गिरफ्तार हुए हैं। इन आरोपियों में से एक व्यक्ति ने कक्ष आरक्षित करने में भूमिका निभाई, दूसरे व्यक्ति ने अपराध घटित होने के पश्चात अपराधी को शरण दी, उनको भागने में सहयोग किया, भागने का अवसर दिया। इस क्रम में इन दो लोगों की अरेस्टिंग की गई है, इनसे पूछताछ की गई। आज इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और इनको जेल दाखिल किया गया है। अभी हमारे प्रकरण की विवेचना जारी है, हमारे डीएसपी महिला सेल और हमारे विवेचक इस पर पूरी ढंग से अच्छे से विवेचना कर रहे हैं, जिससे प्रकरण को हम अच्छे से तैयार करके मान्य न्यायालय में पेश कर पाएँ। प्रकरण के दो आरोपी अभी फरार हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में ही मधुमक्खी अपन आतंक मचाए रही है, जहां के नजारा कोनो मधुमक्खी पालन केंद्र के नहीं है। ये मधुमक्खियन के कारण आए दिन मरीज, उनके परिजन और यहां के डॉक्टर नर्स के साथ है स्टाफ का परेशानी के सामना करे पड़ा था भाई। रात में ही अस्पताल के वार्ड में इमड़ रात रहती हैं, कबो कबो तो वार्ड में भर्ती मरीज घला इनकर शिकार हो जात हमा। चिकित्सक काफी परेशान है, मरीज के परिजन भी परेशान है। संजय गांधी अस्पताल 4-5 मंजिला इमारत है और बड़ी इमारतों में मधुमक्खियों का लग जाना कोई नई बात नहीं है।
इसको समय समय पर हम लोग सफाई करवाते रहते हैं, निकलवाते रहते हैं छतों को। अभी कुछ माह से उससे संपर्क नहीं हो पाया, कोशिश की लेकिन वो कहीं मिला नहीं। प्राइवेट लोग हैं, काम करते हैं, तो इनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है। जल्दी ही हम उनको बुलवा के और वो सफाई करवा देंगे ताकि गर्मी के समय में मरीजों के साथ साथ जो स्टाफ है उन्हें भी दिक्कत ना हो और ठीक ठाक हो जाएगा। आज के बुलेटिन में इतने, बखेली में खबर खातिर देखते रहिए अरविंद के बखेली समाचार। नमस्कार।